हेलो नमस्कार, डीजे सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत मीणा और आज आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ कैलेंडर। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, तो कैलेंडर क्या होता है, एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, तो आज सब अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे कैसे कैसे कैलेंडर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो अपन आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, तो उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर होता क्या है? ठीक है, तो सामान्यतः कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला आता है अलीप वर्ष। अलीप वर्ष क्या होता है अभी समझेंगे। दूसरा आता है लीप वर्ष। दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर होता है। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं टोटल। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप में क्या होता है? इसमें 366 दिन होते हैं। अब ये अंतर क्यों आया? क्योंकि अलीप वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है, इसीलिए एक दिन का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? टोटल 7 दिन होते हैं। तो 7 का भाग लगाएंगे, यहां पर देखा जाए तो टोटल 52 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे। 52 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे। ठीक है, प्लस एक ओड डेज बच जाएगा। क्या बन जाएगा? बच जाएगा अतिरिक्त दिन। एक अतिरिक्त दिन बच जाएगा, ओड डे बचेगा, एक अतिरिक्त दिन बच जाएगा। ठीक है, 52 सप्ताह पूरे, एक अतिरिक्त दिन बच जाएगा। ठीक है, बात करते हैं लीप वर्ष की। यहां पे 57 का भाग लगाएंगे तो 52 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे। 52 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, साथ में यहां पर दो ओड डेज बच जाएंगे, दो अतिरिक्त दिन बच जाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों निकाला? क्योंकि हम जानते हैं, अगर मान लो आज सोमवार है, मैं बोलूं आज सोमवार है, तो आज के एक सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। दो सप्ताह बाद सोमवार ही होगा। तीन सप्ताह बाद सोमवार ही होगा। वैसे इसलिए सप्ताह जब भी बदलता है वार सेम रहता है। जब भी सप्ताह बदलेगा वार सेम रहेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद वापस जो वार होता है वह रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए सप्ताह निकालते हैं। मैं बोलूं कि आज रविवार है तो 52 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? तो रविवार ही होगा, इसलिए निकालते हैं ये। अब मान लो किसी वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार था, मैं बोलूं कि 31 दिसंबर को क्या होगा? तो आप जानते हो अगर वो लीप वर्ष है, अलीप वर्ष है, तो 52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे, यानी कि रविवार हो जाएगा। एक दिन अतिरिक्त रहेगा तो उसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि सोमवार हो जाएगा। अगर मान लो वह वर्ष लीप वर्ष होता तो 52 सप्ताह तो पूरे हो जाते, लास्ट में दो जुड़ जाते, तो फिर 31 दिसंबर को क्या हो जाता? मंगलवार हो जाता, क्योंकि यहां दो जुड़ जाता है और यहां पर एक जुड़ जाता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और अलीप में 365 होते हैं। 365 वाले 52 सप्ताह पूरे होते हैं, एक दिन अतिरिक्त बच जाता है। वैसे ही लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह पूरे होते हैं और दो दिन अतिरिक्त बच जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो शताब्दी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष अलीप वर्ष होता है। अलीप वर्ष होता है। अब शताब्दी वर्ष अलीप वर्ष होता है तो क्या सारे शताब्दी वर्ष अलीप होंगे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सारे शताब्दी वर्ष अलीप नहीं होंगे और सारे लीप भी नहीं होंगे। पहले देखो शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी मतलब 100, जिसके पीछे 00 आ रहा हो, जिस वर्ष के पीछे 00 आ रहा हो वो शताब्दी वर्ष होगा। कैसे?
100 शताब्दी वर्ष है, 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, 400 शताब्दी वर्ष है, 500 ये भी शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। तो मैंने यहां क्या लिखा कि शताब्दी वर्ष अलीप वर्ष होते हैं, तो क्या सारे होते हैं क्या, नहीं। तो फिर लिखेंगे हर चौथी शताब्दी, हर चौथी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। क्या समझ में आया? देखो ये पहली शताब्दी है यानी कि अलीप होगी, ये दूसरी शताब्दी है ये भी अलीप होगी, ये तीसरी शताब्दी है ये भी अलीप होगी, चौथी शताब्दी आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला, हर चौथी शताब्दी क्या होगी, लीप वर्ष होगी, तो ये आ जाएगा लीप, ये क्या आ जाएगा लीप। फिर 500 अलीप, 600 लीप, 700 अलीप, और देखो 600 अलीप, 700 भी अलीप, 800 आप देखो 800 क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा लीप, वापस क्या आ जाएगा लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो चौथी शताब्दी लीप, फिर उसके बाद 800 लीप, फिर 1200 लीप, फिर 1600 लीप, फिर 2000 लीप, फिर 2400 लीप, फिर 2800 लीप। तो हर चौथी शताब्दी लीप होती है, बाकी अलीप होती है, इस बात को ध्यान रखना। लीप का मतलब है, लीप का मतलब क्या है, लीप का मतलब है कि वहां पर 2 दिन अतिरिक्त बचेंगे, 2 दिन अतिरिक्त बचेंगे, अतिरिक्त। और अलीप का मतलब क्या है, अलीप का मतलब है कि 1 दिन अतिरिक्त, 1 दिन अतिरिक्त, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बात होगी वर्ष की, अपन बात करते हैं महीने की, कि जैसे महीने में दिन बच रहे हैं अतिरिक्त, वैसे महीने में भी तो बचेगा, जैसे वर्ष में बच रहे हैं वैसे महीने में भी तो बचेगा। तो कितना होता है, देखो जनवरी की बात करते हैं, जनवरी 31 दिन होते हैं, फरवरी या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे, मार्च 31 होते हैं, अप्रैल 30 दिन होते हैं, मई 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, ठीक है। जुलाई में कितना होता है, 31 दिन होते हैं, अगस्त में यहां भी 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में होते हैं 30 दिन, और दिसंबर में होते हैं 31 दिन, ठीक है। तो ये तो याद रखना ही है कि किस महीने में कौन से, मतलब कितने दिन होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखनी है कि किस महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। और अतिरिक्त दिन निकालने के लिए मैंने बताया था, जब भी अतिरिक्त दिन निकालने हो 7 का भाग लगा देते हैं। 7 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो अगर 7 का भाग लगाया जा रहा है यानी कि पूरा सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा जितने दिन अतिरिक्त बच जाएंगे वो हो जाएंगे ओड डेज, ठीक है। तो सारे महीनों के जितने दिन हैं सभी में अपन 7 का भाग लगा देंगे, जितने अतिरिक्त दिन बच जाएंगे वो अपन को याद रखने हैं, ठीक है, वो अपन को क्या करना है, याद रखने हैं। बात करते हैं अब, जनवरी में होता है 31 दिन, अगर यहां पर 7 का भाग लगाएंगे तो 4 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, 28 में पूरी भाग चल जाएगा यानी कि 4 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, 3 दिन अतिरिक्त बच जाएंगे, 3 दिन क्या हो जाएगा, अतिरिक्त बच जाएगा। तो यहां लिखो ऊपर कि 3 दिन अतिरिक्त बच जाएंगे, ठीक है, 3 दिन क्या हो जाएंगे, अतिरिक्त बच जाएंगे। वैसे ही फरवरी की बात करते हैं, यहां पर या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। 0 कैसे, अगर मान लो फरवरी में 28 दिन है तो पूरी बार भाग चल जाएगा 7 का, 29 दिन है तो 1 दिन बच जाएगा, तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। मार्च की बात करते हैं, यहां भी 3 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे, है ना। अप्रैल में यहां पर 2 बच जाएंगे अतिरिक्त दिन, मई में 3 दिन अतिरिक्त बच जाएंगे, और जून में 2 दिन अतिरिक्त बच जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
अपन बात करते हैं जुलाई की, जुलाई में 3 दिन अतिरिक्त बच जाएंगे, अगस्त में भी 3 दिन अतिरिक्त बच जाएंगे, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि किस महीने में कितने अतिरिक्त दिन बचते हैं, ठीक है। और इसको याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक भी है कि 3 के बाद में जनवरी का 3 याद रख लोगे, फरवरी में 0 या फिर 1, उसके बाद 3 2 3 2 3 2 याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2। और एक बात ध्यान रखना कि अगस्त और जुलाई का दोनों का 3 3 होता है, ठीक है। तो 3 3, अब यहां से वापस 3 2 3 2 और 3। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि किस महीने में कितने अतिरिक्त दिन बचते हैं, ठीक है। ये काम आएगा जब अपन सवाल करेंगे, ठीक है। तो इतना लिख लिया, तो शुरू करते हैं हम अपने सवालों को कि यहां से किस तरीके से सवाल बन सकते हैं और उनको अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो करते हैं अपन सवाल को स्टार्ट, ठीक है। अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट यानी कि सवाल कैसे बन सकता है। पहला टाइप आएगा जिसमें ओनली दिन बदलेगा वर्ष नहीं, मतलब दिनांक चेंज होगी ओनली वर्ष वही रहेगा। तो हेडिंग लगाओ इसकी कि दिन बदलेगा मतलब चेंज होगा, वर्ष नहीं, ओनली दिन चेंज होगा, वर्ष चेंज नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष 5 मार्च 2024 की बात कर लो, यदि किसी वर्ष 5 मार्च 2024 को संडे था, क्या था, संडे था, तो उसी वर्ष ग्यारह जून को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के सवालों को अपन कैसे सोल्व करते हैं। देखो एक हेडिंग लिखी थी अपन ने ऊपर कि दिन बदलेगा वर्ष नहीं, तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। यदि किसी वर्ष 5 मार्च 2024 को क्या है, संडे है, ठीक है, तो उसी वर्ष, ये वाली बात ध्यान दो, उसी वर्ष यानी कि वर्ष चेंज नहीं हो रहा है, वर्ष वही है, ओनली दिन चेंज हो रहा है, उसी वर्ष 11 जून को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको। इसको निकालने के लिए 5 मार्च 2024 और 11 जून 2024 के बीच के जितने टोटल दिन हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है। उनको काउंट कैसे करेंगे, देखो मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, मैंने बताया था मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, लेकिन 31 में से 5 काउंट नहीं करने, 5 के बाद के काउंट करने हैं, तो 31 में से 5 घटा देंगे, यानी कि कितना बचेगा, 26 बचेगा, तो 26 दिन तो हो जाएंगे मार्च के, 26 दिन तो किसके हो जाएंगे, मार्च के हो जाएंगे। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल पूरा ही काउंट करना है, तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं, अप्रैल में टोटल होते हैं 31 दिन नहीं 30 होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30, अभी याद किया था अपन ने कि मार्च में 31 होते हैं और अप्रैल में 30 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मई भी पूरा ही काउंट करना है, तो मई में होते हैं 31 दिन, ठीक है। उसके बाद में जून आता है, अब जून में तो होते तो 30 दिन हैं, लेकिन अपन को पूरे दिन नहीं लेने, यहां पर कितने दिन लेने हैं, ओनली 11 दिन लेने हैं,
तो 11 दिन हो जाएंगे जून के। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यहां पर टोटल नहीं लिखना पूरा, ये तो बस आपको समझाने के लिए। अपन ने क्या बात याद करी थी कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देते हैं? 7 का भाग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग लगा दिया जाता है। तो यहां पर 26, 30, 31, 11 नहीं लिखेंगे। देखो टोटल 31 दिन होते हैं मार्च में, 5 अपन ने हटा दिए तो कितने बचे? 26। तो 26 में 7 का भाग लगाएंगे क्योंकि अपन को टोटल सप्ताह निकाल देने हैं। तो 26 में भाग लगाएंगे तो 21 में पूरी बार भाग चल जाएगा। 3 7 21 होता है, यानी कि 21 दिन तक तो टोटल 3 सप्ताह पूरे बन जाएंगे। अब 21 के अलावा कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं? तो देखो 26 में 21 तो हो गया पूरा, 5 दिन अतिरिक्त बच रहे हैं, प्लस के 5 दिन बच रहे हैं। ठीक है, अप्रैल की बात करो, यहाँ 4 सप्ताह टोटल बन जाएंगे क्योंकि 4 7 28 होता है, तो दिन 2 दिन बच जाएंगे अप्रैल के। मई की बात करो, 31 दिन है तो 3 दिन बच जाएंगे मई के। जून के 11 दिन लेने हैं, 7 का भाग लेंगे तो ओनली 4 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे? 4 दिन बच जाएंगे। अब देखो 7 दिन मिलाकर एक सप्ताह बन जाता है, तो 7 को अपन काटते जाएंगे, टोटल योग करके 7 को काटते जाएंगे। तो देखो यहां पर 5 और 2 7 हो गया, यानी कि ये तो दोनों मिलकर एक सप्ताह बना लेगा और सप्ताह बनते ही कट जाएगा, क्योंकि सप्ताह के बाद सेम दिन रिपीट हो जाता है, इसलिए सप्ताह पूरा कट जाता है। 4 और 3 7 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 2 7 3 और 4 7 हो गया, यानी कि 0 अतिरिक्त दिन, 0 अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कितने बचे? 0। और डे 0 बचा, जब कुछ बचा ही नहीं तो वापस 11 जून को भी वही दिन हो जाएगा जो 5 मार्च को था, यानी कि इसका आंसर संडे ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? संडे ही इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है किस प्रकार के सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है और एग्जाम में कैसे आंसर देना होता है? कुछ नहीं करना होता, जो जो डेट अपन को दिए उसके बीच के टोटल नंबर, टोटल दिन अपन को काउंट करने होते हैं, ठीक है, और उनमें अपन को 7 का भाग लगा के देखना होता है। तो एक सवाल से आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी कम समझ में आता है तो इस वीडियो को वापस देख जाकर दोबारा देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक और सवाल पे ऊपर। अब देखो एक सवाल मैं लिखता हूं आपके लिए, यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष 11 मई को, 11 मई को मंडे था, 11 मई को मंडे था, ठीक है, तो उसी वर्ष, तो उसी वर्ष, उसी वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिन होगा? आप देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, आप बोलोगे कि वर्ष का पता ही नहीं है कि वह लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है। मेरी बात सुनो, लीप वर्ष और अलीप वर्ष का फर्क तब पड़ता है जब बीच में फरवरी आती है, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है और अलीप पर 28 की होती है, ठीक है। तो यह फर्क कहां पड़ता है? यह फर्क पड़ता है फरवरी पर, लेकिन जब बीच में फरवरी आती नहीं है तो चाहे वर्ष लीप हो चाहे अलीप हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहां वर्ष हो चाहे नहीं हो। अपन काउंट कहां से कहां तक कर रहे हैं? अपन काउंट कर रहे हैं 11 मई से लेकर 14 सितंबर तक। कहां से काउंट कर रहे हैं? 11 मई से लेकर 14 सितंबर तक। तो बीच में कहीं पर फरवरी आ रही क्या? अगर बीच में फरवरी आ ही नहीं रही तो वर्ष चाहे लीप हो चाहे अलीप हो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब फरवरी बीच में आएगी, ठीक है। तो अभी फरवरी आ ही नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो
मैंने बोला था जो बीच के नंबर होते हैं, बीच के टोटल दिन होते हैं, उनको अपन काउंट करते हैं। तो देखो 11 मई से 14 सितंबर के बीच में कितने दिन होंगे उसको अपन काउंट करेंगे यहाँ पर। अब आते हैं अपन कैसे करेंगे सवाल को। जैसे मैंने बताया था, देखो मई में टोटल 31 दिन होते हैं, टोटल कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, ठीक है। 11 हटा देंगे क्योंकि उसके 11 के बाद के काउंट करने हैं अपन को, ठीक है। तो 11 हटा तो 31 में से कितना बचा, 20 दिन बचा। अब क्या यहां 20 लिखेंगे? नहीं, 20 में अपन 7 का भाग लगाएंगे सप्ताह बनाने के लिए, तो 14 में पूरी बार भाग चल जाएगा, 6 दिन शेष बचेंगे, 6 दिन शेष बचेंगे। और ये 6 दिन किसके बचेंगे? ये बचेंगे मई के। किसके बचेंगे? मई के बचेंगे। मई के बाद आता है जून, पूरा महीना काउंट करना है जून का। तो मई में होते हैं 30 दिन और 30 में 7 का भाग लगाएंगे तो 2 दिन बचेंगे मई के, सॉरी जून के, 2 दिन किसके बचेंगे? जून के। जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के होते हैं 31 दिन, जब 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो 3 दिन बचेंगे जुलाई के, 3 दिन किसके बचेंगे? जुलाई के बचेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है अगस्त, और अगस्त के भी 3 दिन यहां पर बच जाएंगे, अगस्त के भी 3 दिन बच जाएंगे। अगस्त के बाद में आता है सितंबर, और सितंबर के अपन को ओनली 14 दिन लेने हैं। सितंबर के कितने दिन लेने हैं? 14। तो 14 में 7 का भाग लगाएंगे तो एक भी दिन शेष नहीं रहेगा, पूरा का पूरी बार कट जाएगा। जब शेष ही नहीं रहेगा तो उसको लिखने से क्या फायदा, नहीं लिखेंगे। तो जितने दिन बचे उनको काउंट करके 7 का भाग लगा दो। तो देखो यहां पर 6, 2, 8, 8 और 3, 11, 11 और 6, 11 और 3, 14, यानी कि 6, 6, 12 और 2, 14, टोटल दिन हो जाएंगे 14। और 14 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो 0 ओड डेज, पूरी बार चल जाएगा भाग। जब पूरी बार भाग चल जाएगा 14 में तो 0 बचेगा अतिरिक्त दिन, कितने अतिरिक्त दिन आएंगे? 0। जब अतिरिक्त दिन 0 आएंगे तो सेम डे रिपीट हो जाएगा, यानी कि यहां मंडे था तो यहां भी क्या हो जाएगा, मंडे ही आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? अगर कम समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बनता है पहला टाइप, यहां से बनता है पहला टाइप कि सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। अब आते हैं अपन टाइप नंबर सेकंड पर कि टाइप नंबर सेकंड में कैसे सवाल बनता है। तो टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड अपन ने क्या बोला था, वहां बात हुई थी कि दिन बदलेगा वर्ष नहीं बदलेगा, दिन बदलेगा वर्ष नहीं बदलेगा। टाइप सेकंड में होता है कि वर्ष बदलेगा लेकिन दिन नहीं बदलेगा, वर्ष बदलेगा लेकिन दिन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो लिखो यहां पर हेडिंग, दिन नहीं बदलेगा वर्ष चेंज होगा, वर्ष बदलेगा, ठीक है, ये लिख लो सेकंड नंबर के टाइप पर। आप देखो जब वर्ष बदलेगा तो सवाल कैसे बनेगा, सवाल होगा 5 जुलाई 2013 5 जुलाई 2013 को ट्यूसडे था, ट्यूसडे मतलब मंगलवार था, मंगलवार था, कब था? 5 जुलाई 2013 को क्या था? मंगलवार था। तो 5 जुलाई 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखो सवाल को ध्यान से देखो, 5 जुलाई 2013, 5 जुलाई 2021, क्या दिन चेंज हो रहा है? दिन चेंज नहीं हो रहा। तो टाइप सेकंड इसी के लिए बात करता है, क्या बात करता है? यह बात करता है कि दिन तो चेंज होगा, सॉरी दिन चेंज नहीं होगा, वर्ष बदलेगा। पहला टाइप क्या था, वहां वर्ष चेंज नहीं हो रहा था, वहां पर दिन चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर दिन चेंज नहीं होगा, ओनली वर्ष चेंज होगा, ठीक है, ओनली
वर्ष चेंज होगा। तो इस तरह के सवाल वो कैसे करते हैं अपन। अब जब देखो, जब डेट सेम आ जाती है तो डेट से कोई भी मतलब नहीं होता, डेट को काट दिया करो, 5 जुलाई से 5 जुलाई कट जाएगा, ठीक है, मतलब इसको काउंट नहीं करना, बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना, ओनली अपन को ईयर कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करना है? ईयर। ईयर में एक बात ध्यान रखनी है, लीप और अलीप दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले देखो 21 और 13 के बीच में टोटल ईयर कितने होते हैं, तो देखो टोटल कितने ईयर होते हैं, 21 में से 13 घटा लो, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8 ईयर तो नॉर्मल ईयर होते हैं, 8 ईयर तो नॉर्मल ईयर होते हैं। अब लीप कितने होते हैं, लीप मतलब जिसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग पूरी बार चला जाए, वो होता है लीप वर्ष। वो क्या होता है? लीप वर्ष। तो क्या 13 लीप होता है क्या? नहीं होता। 12 लीप होता है, क्योंकि 12 में 4 का भाग चला जाता है, तो 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 होता है। तो 13 के बाद 16 लीप होगा, फिर 20 लीप होगा, और 20 के बाद 24 लीप होगा। तो 13 से 21 के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? ओनली 2 आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 2016 और एक 2020। तो 8 ईयर तो नॉर्मल और 2 हो जाएंगे लीप, 2 हो जाएंगे लीप। ओनली यहां पर ईयर ही काउंट करने होते हैं, डे अपन काउंट नहीं करते, क्योंकि डे से सेम डे आता है तो वह कट जाता है। अब देखो 8 और 2 10 हो गए, टोटल 10, 7 का भाग लगाएंगे तो 3 ओड डेज बच जाएंगे, 3 ओड डेज अतिरिक्त दिन बच जाएंगे। जब 3 अतिरिक्त दिन बच गया तो मंगलवार में 3 जोड़ दो, मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे शुक्रवार इसका आंसर आ जाएगा, शुक्रवार, फ्राइडे शुक्रवार इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कैसे आ रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करना, और कुछ बताना हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या और क्या इंप्रूव कर सकता हूं मैं अपनी क्लास के अंदर, वो सब बताना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ पा रहे होंगे किस तरह के सवालों से कैसे डील करनी होती है, कैसे समझना होता है। एक सवाल से थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल और देख लो। जिस तरीके से अपन ने वह सवाल किया अभी, वैसे ही ये वाला भी आपको करना है, ठीक है। देखो इधर, यदि 15 अगस्त 1947 को मंडे था तो 15 अगस्त 2001 को कौन सा वार था? अब देखो सेम टाइप है, सेकंड टाइप, वर्ड दिन चेंज नहीं हो रहा, यहां भी 15 अगस्त, यहां भी 15 अगस्त, बस ईयर चेंज हो रहा है, 1947 से 2001 की बात हो रही है, तो दिन से दिन कट जाएगा, अपन को ओनली ईयर की बात करनी है। किसकी बात करनी है? ईयर की बात करनी है। तो आ जाओ ईयर पर। अब देखो 1947 से लेकर 2001 के बीच में टोटल कितने ईयर हैं? तो देखो 47 और 53 होता है 2000, तो 53 ईयर तो ये हो गए और एक ये, यानी कि टोटल 54 ईयर तो नॉर्मल हो गए। कौन से हो गए? नॉर्मल, ऑर्डिनरी, जिसको अलीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलीप वर्ष बोलते हैं। यानी कि 47 के बाद 54 जोड़ेंगे तब 2001 आएगा, तो 54 ईयर तो अलीप वर्ष हो गए। अब लीप देखेंगे अपन, क्या 1947 लीप होता है क्या? 4 का भाग देखे, देख लो पीछे के 2 डिजिट में, अगर जा रहा हो तो लीप होगा, 44 में जाता है, यानी कि 44 होगा, उसके बाद में 48 होगा, उसके बाद में 52 होगा, ठीक है, 48 होगा, 52 होगा, 56 होगा, 60 होगा, 64 होगा, 68 होगा, 72 होगा, 76 होगा, और फिर 80 होगा, 84 होगा, 88 होगा, 92 होगा, ठीक है,
चिन्ह में होगा और 2000 होगा, यानी कि टोटल 15 है, 15 है ना, एक बार दोबारा काउंट कर लो, 48 यानी कि 1948 है, 52 है, 56 है, 60 है, 64 है, 68 है ना, 72 है, 76 है, 80 है, 84 है, 88 है, उसके बाद 92 है, 96 और 2000 एक तो नहीं होगा, तो इतने होंगे, तो 4, 4, 8, 4, 12 और 2, 14 तो टोटल 14 लीप ईयर होंगे यहाँ पर, 14 लीप ईयर हो जाएंगे, 14 क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है, 14 हो जाएंगे लीप, तो अलीप और लीप दोनों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और 54 और 14 68 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 68, और 68 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो 9 7 63 यानी कि 9 बार चल जाएगा, 9 बार चल जाएगा ना, बचेगा कितना, जब 9 7 63 हो जाएंगे तो 5 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे, 5 ओड डेज बच जाएंगे, 5 ओड डेज बच जाएंगे, जब 5 बच जाएंगे तो अपन कहाँ जा रहे हैं, 47 से 2001 में आ रहे हैं, तो मंडे में 5 दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, हम ये भी जानते हैं कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो या तो 5 जोड़ देंगे या फिर 2 कम कर देंगे, या तो प्लस का 5 कर देंगे या फिर माइनस का 2 कर देंगे, दोनों एक ही बात होती है, मंडे में 5 दिन जोड़ेंगे क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आएगा, 2 घटाएंगे तब भी संडे और सैटरडे आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शनिवार, शनिवार, ठीक, सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा, तो बात समझ में आ रही है आपको, कैसे सवालों को हैंडल किया जाता है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, ये हो गया अपन अपना टाइप नंबर सेकंड, पहला टाइप पढ़ लिया, सेकंड टाइप पढ़ लिया, अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड, क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर थर्ड, वहां से कैसे सवाल बनता है, देखो अब टाइप थर्ड, पहले अपन ने पढ़ा कि दिन बदलेगा वर्ष नहीं, फिर दूसरा पढ़ा वर्ष बदलेगा दिन नहीं, अब पढ़ेंगे दिन व वर्ष दोनों बदलेंगे, क्या बदलेगा, दिन व वर्ष दोनों बदलेंगे, दोनों बदलेंगे, ठीक है, दोनों क्या होगा, दोनों ही बदलेंगे, तो कैसे बनेगा सवाल, देखो इधर, यदि 1 जनवरी 1985 को, 1985 को शनिवार था, क्या था भैया, शनिवार था, 1 जनवरी 1985 को क्या था, शनिवार था, दिख रहा है ना, 1 जनवरी 1985 को क्या था, शनिवार था, तो यहां पर तीन अप्रैल 1992 को कौन सा वार होगा, आप देखो दिन भी बदल गया और वर्ष भी बदल गया, तो इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें है ना दिन को अलग काउंट करते हैं और वर्ष को अलग काउंट करते हैं यहां पर, तो देखते हैं कैसे करते हैं सवालों को, पहले अपन बात कर लेते हैं ईयर की, तो 85 से लेकर 92 तक टोटल कितने ईयर हैं, 92 से 85 कटा देंगे तो 7 ईयर तो आ जाएंगे नॉर्मल, यानी कि अलीप आ जाएंगे, अब कोई लीप भी है क्या, 80 लीप होता है, 84 लीप होता है, 85 नहीं होता, तो 85 के बाद 88 होता है और 92 भी होता है, तो क्या 92 यहां काउंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपन को 3 अप्रैल तक जाना है, तो उसके बीच में फरवरी भी आएगी, तो फरवरी आएगी तो 1992 भी काउंट होगा, अगर मान लो अपन फरवरी के पहले ही रुक जाते, जनवरी तक जाते, तब यहां पर फरवरी काउंट नहीं होती, फिर ये लीप वर्ष में काउंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां अपन को कहां तक जाना है, अप्रैल तक जाना है, तो
88 और 92 दोनों लीप वर्ष में काउंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां पर 7 तो आ जाएंगे नॉर्मल ईयर और 2 आ जाएंगे लीप ईयर, टोटल हो गया 9, और 9 में 7 का भाग लगाएंगे तो 2 बच जाएगा, 2 ओड डेज बच जाएंगे, ओड डेज। लेकिन ये कहां बचे, ईयर में। अब दिन भी काउंट करेंगे, देखो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, एक अपन हटा देंगे, एक हटा देंगे तो कितना बचेगा 30, और 30 में 7 का भाग लगाएंगे तो 2 दिन बचेंगे जनवरी का। फिर फरवरी में, अब देखो फरवरी 1985 की बात हो रही है, 1985 की बात हो रही है, तो 1985 में देखो क्या फरवरी लीप होती है क्या, नहीं होती। जब लीप नहीं होती तो एक भी दिन शेष नहीं बचेगा, तो फरवरी का कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। मार्च का देखो, मार्च में 31 दिन होते हैं, 3 अतिरिक्त दिन बच जाते हैं मार्च के। अप्रैल का देखो, अप्रैल में ऐसे तो 30 दिन होते हैं लेकिन पूरे 30 दिन नहीं लेने, ओनली 3 ही दिन लेने हैं अपन को, तो 3 दिन आ जाएंगे अप्रैल के, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, 3 3 6 2 8, और 8 में 7 का भाग लगाएंगे तो 1 ओड डेज। अब देखो दिन को अलग काउंट किया, ईयर को अलग काउंट किया, किया ना, दोनों को अपन ने अलग अलग काउंट किया, दिन को अलग ईयर को अलग, तो दिन में बचा 1 ओड डेज और ईयर में बचा 2 ओड डेज, तो 1 + 2 3 ओड डेज बच गए, 3 ओड डेज बच गए। जब 3 बच गए तो शनिवार में 3 जोड़ देंगे, शनिवार में 3 जोड़ो, रविवार सोमवार और मंगलवार, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, बाकी इसका भी सेकंड पार्ट भी आएगा और हो सके तो तीसरा पार्ट भी आएगा, इसमें पूरा मैं टाइप वाइज आपको पूरा कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं। आज के लिए 3 टाइप काफी है, इसका अच्छे से रिवीजन करना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के प्रयास करना, और इसकी पीडीएफ आपको डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं कल, धन्यवाद।